उत्तर प्रदेश सरकार की पाबंदी के बावजूद भी व्यापारी प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल धलड्डे से कर रहे हैं। आज नगर निगम मुरादाबाद की टीम ने अभियान चलाकर कोतवाली इलाके के कटघरा नाज मानपुर में दो व्यापारी के यहां प्रतिबंधित पॉलिथीन थैली के बरामद की है। नगर निगम की टीम ने दोनों व्यापारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। नगर निगम ने मुरादाबाद में प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल और बिक्री के खिलाफ अभियान चला रखा है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये कटघरा मोहल्ला है, कोतवाली थाने के अंतर्गत आता है और यहाँ पे मेरी टीम द्वारा उसको पकड़ा गया, जिसमें कि लगभग 3.5 क्विंटल पॉलिथीन पाई गई प्रतिबंधित। और इनको कई बार बताया जा चुका था कि शहर में अभियान चला हुआ है, आप लोग सबको ही बंद कर दें, इनकी संबंध कार्यशाला भी की गई, इसके उपरांत भी ये लोग द्वारा क्या नाम है बंद नहीं किया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 15 जुलाई 2018 से इसको प्रतिबंधित किया जा चुका है और समय समय पर हमारी टीम द्वारा अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें आए दिन पेपर में के माध्यम से आप मीडिया के माध्यम से भी इनको बताया जाता है, इसके बावजूद ये लोग द्वारा बंद नहीं किया जा रहा। उसी तहत आज 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल लगभग पकड़ी गई, जिसमें हमने 50,000 का जुर्माना भी लगाया और आगे भी ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसके संबंध में हमारे नगर आयुक्त महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इनके संबंध कार्यशाला भी की थी, इनको बुलाकर बताया भी गया था कि ये बंद है, इसके बावजूद इनके द्वारा बंद किया जा रहा है, तो नगर निगम टीम द्वारा अभियान लगातार जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।